देश में विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सभी राजनीतिक दल आपको बता दें कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष सूची जारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनके कार्यकर्ता और नेता आपको बता दें कि टिकट फाइनल होने के बाद अब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी पहला नामांकन पत्र दाखिल हुआ। 15 तारीख को बीएसपी ने आधिकारिक तौर से प्रत्यक्ष सूची जारी की गई थी, उसके बाद बीएसपी ने आज छर्रा विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिलक राज यादव ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज छर्रा विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि सभी लोगों के बताने पर ही मुझे पता चल रहा है कि आज मेरा पहला नामांकन पत्र है और मैं आपको बता दें कि जनता के मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जब उनसे पूछा गया कि आपकी टक्कर किससे है, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4-5 सालों से क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा हूं, ऐसे में मेरी टक्कर किसी भी व्यक्ति से नहीं है। सभी से आपको बता दें कि मेरी टक्कर किसी से नहीं, मैं सीधा विधानसभा का चुनाव जीत रहा हूँ।